तो रेट ऑफ रिएक्शन पे हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। देखो, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 हैज़ बीन स्टडीड बाय मॉनिटरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द सॉल्यूशन। तो एक कंटेनर है, उस कंटेनर में CCl4 तो सॉल्वेंट है, ठीक है ना। उसमें क्या ले रखा है हमने, N2O5 ले रखा है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम मॉनिटर कर रहे हैं। इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 2.33 मोल पर लीटर। तो शुरू में कितनी है कॉन्सेंट्रेशन, 2.33 मोल पर लीटर, इतनी कॉन्सेंट्रेशन N2O5 की है। आफ्टर 184 मिनट्स, 184 मिनट के बाद इट इज रिड्यूस टू 2.08। तो कंटेनर में N2O5, अब T इज इक्वल टू 184 मिनट्स, 184 मिनट के बाद N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 2.08 मोल पर लीटर। ये यहाँ तक ये बोला गया है। आगे क्या बोला है, रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन हो रही है। पूछा क्या है, कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो आपसे इस रिएक्शन का एवरेज रेट पूछा गया है और उसके यूनिट्स बोलेंगे आवर, मिनट और सेकेंड। तीन यूनिट्स में आपको निकालना है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का क्या है, व्हाट इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, NO2 की रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो दो चीज़ें पूछी हैं इसमें, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे सबसे पहले क्या निकलेगा, देखो सबसे पहले निकलेगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, है ना। रेट ऑफ N2O5 क्या आएगा, रेट ऑफ N2O5 कह सकते हो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 कह सकते हो। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहली बात टाइम ड्यूरेशन बहुत बड़ी है, 184 मिनट्स इज अ लार्ज टाइम गैप। तो जो रेट आएगा वो एवरेज आएगा, तो फाइनल वैल्यू ऑफ N2O5 माइनस इनिशियल ऑफ N2O5 डिवाइड बाय टाइम टेकन। और क्योंकि ये रिएक्टेंट है इसलिए इसके आगे एक माइनस लग जाएगा। तो ये क्या है, फाइनल वैल्यू कितनी है, 2.08, इनिशियल कितनी है, 2.33, डिवाइड बाय टाइम कितना लगा, 184 मिनट्स, है ना। तो ये क्या है, मोल पर लीटर। 2.08 का यूनिट क्या है, देखो मोल पर लीटर है ना, 2.33 का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। तो इसका 2.08 माइनस 2.33 का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर डिवाइड बाय मिनट इसका। तो ये चीज जो आ गई सॉल्व करके, ये क्या आ गई, माइनस डेल्टा N2O5 बाय टाइम। डेल्टा आएगा क्योंकि ये लार्ज इंटरवल के लिए है, एवरेज रेट आता है इससे, ये बात क्लियर है ना। अगर इंटरवल लार्ज हो तो एवरेज रेट आता है। तो ये मेरे पास जो भी सॉल्व करके आएगा, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आएगा, वो आ जाएगा रेट ऑफ N2O5, ये बात क्लियर है ना। कौन सा रेट आएगा, एवरेज रेट, हाँ। लेकिन उसने क्वेश्चन में रेट ऑफ N2O5 तो नहीं पूछा, पूछा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो हमने लास्ट क्लास में करा था, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस 1/2 डेल्टा N2O5 बाय टाइम। इसका कॉफिशेंट से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, इज इक्वल टू, माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, इज इक्वल टू NO2 का 1/4 डेल्टा NO2 बाय टाइम, क्योंकि यहाँ कॉफिशेंट 4 है, इसके लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। तो हमने यहाँ जो चीज़ सॉल्व की है वो क्या है, ये जो चीज़ है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये क्या बताता है, रेट ऑफ N2O5, मतलब ये आया है इससे, उसको हाफ से डिवाइड करने पे आएगा रेट ऑफ रिएक्शन। ये बात समझ में आ रही है, कॉफिशेंट्स गलत मत करना, तुमको समझ में आ रहा है सारा। तो देखो, एवरेज रेट इज इक्वल टू माइनस 1/2 डेल्टा N2O5 बाय टाइम। ये एक्सप्रेशन मैंने कैसे लिखा, समझ में आ गया। सो माइनस 1/2 फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। अब तो बस वैल्यूज ही पुट करनी है, वैल्यूज पुट करके मैंने सॉल्व करके ये आ गया। तो ये किस में आ गया, मोल पर लीटर पर मिनट में आया। तो मेरा एक पार्ट सॉल्व हुआ मिनट्स वाला,
उसने अभी आवर्स और सेकंड्स में भी पूछा है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। मैंने एक मिनट की वैल्यू 60 सेकंड डाल दी, उसको सॉल्व करके मेरे पास ये आंसर मोल पर लीटर पर सेकंड में आ गया। चलो जी, सेकंड वाला आ गया, अब आवर करना है। एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड्स। तो एक सेकंड में कितने आवर होंगे? 1/36 आवर्स इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो यहाँ पे मैंने 1 सेकंड की वैल्यू पुट कर दी 1/3600 आवर्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया तो मेरे पास आवर्स में आंसर आ गया। तो मैंने फर्स्ट पार्ट पूरा सॉल्व कर दिया। सेकंड क्या पूछा है? NO2 की प्रोडक्शन का रेट, तो मुझे यहाँ से आएगा NO2 की प्रोडक्शन का रेट है डेल्टा NO2 बाय टाइम। वो क्या होगा? रेट का 4 गुना। देखो यही होगा ना, रेट हमने यहाँ निकाल लिया, ऊपर उसका 4 गुना होगा ना भाई, समझ में आ रही है बात है? तो एवरेज रेट क्या है? 1/4 डेल्टा NO2 बाय टाइम। तो डेल्टा NO2 बाय टाइम क्या होगा? 4 × एवरेज रेट। एवरेज रेट आपने ऊपर निकाल चुके हो तीनों में से किसी को, क्योंकि उसने एवरेज N2 का कोई यूनिट नहीं बोला, तो आपने 3 यूनिट में निकाल रखे। आप इन तीनों में से किसी में आंसर निकाल दो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ मोल पर लीटर पर मिनट का वैल्यू डाला एवरेज रेट का, ये आंसर आ गया। आंसर में डिफरेंस आएगा यूनिट्स बदलेंगे तो उसमें क्या है, लेकिन आंसर तीनों सही रहेंगे। अगर आप चाहे मिनट में कर दो, चाहे सेकंड में कर दो, चाहे आवर में कर दो, तीनों आंसर डिफरेंट रहेंगे लेकिन तीनों सही है, ठीक है। एवरेज रेट रिएक्शन का ना, क्योंकि रिएक्शन में तीन कंपाउंड है इसकी, NO2 एंड O2 एंड और N2O5। हां तो है ना, तो फिर मतलब कि कैसे पता चलेगा कि अगर हम NO2 निकालना है तो फिर N2O5 ही डालना है? अरे ये रिलेशन है ना तुम्हारे सामने, सारा कुछ तो है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 N2O5 बाय टाइम, 1/4 डेल्टा NO2 बाय टाइम, सारा रिलेशन तो आ गया इसमें। क्या इसमें बचा? सारा कुछ तो आ गया, कुछ भी नहीं बचा। और तुमको रिएक्शन में क्या दिया हुआ है? गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाई टाइम। तो ये तुम किसका निकाल रहे हो? तो N2O5 का निकाल रहे हो ना, तो बस फिर तुमने N2O5 का निकाल लिया, उसके बाद तो रिलेशन आ ही गया ये। अगर तुमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो -1/2 डेल्टा N2O5 बाई टाइम आ जाएगा। O2 का निकालना है तो माइनस डेल्टा O2 बाय, माइनस नहीं लगाओगे, प्रोडक्ट है इज इक्वल टू डेल्टा O2 बाय टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन तुम निकाल चुके हो, वो डेल्टा O2 बाय टाइम के इक्वल है। हाँ इक्वल ही आएगा वो, ये दोनों भी इक्वल है, सारा कुछ इक्वल आएगा ये, ठीक है ना। कुछ भी निकाल लो उसके बाद, इक्वेशन तो ये है ही, ठीक है ना। फाइन, देखो मैं फिर से लिख देता हूँ ये पूरी इक्वेशन ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो ये रिएक्शन गिवन है ना, इस रिएक्शन से, ये वाली जो रिएक्शन गिवन है इससे मैं क्या लिख सकता हूँ? आर क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है ये, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा N2O5 बाय टाइम इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 बाय टाइम इज इक्वल टू डेल्टा O2 बाय टाइम। 1, 2, 3, 4 चारों चीज़ें में से कोई निकाल लो तुम, बाकी तीन यहाँ से इक्वेशन से निकल जाएंगे, सारी रिलेटेड है, सारा कुछ यहाँ से रिलेटेड है। अभी क्वेश्चन में उसने हमको ये निकाल के दे दिया, इन्फॉर्मेशन उसने इसकी दे दी थी बस, अगर उसने इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी, अब हम बाकी कुछ भी पूछ ले हम निकाल देंगे। क्लियर है अब ये बात? तुमको क्लियर है, ठीक है ना। सो ये सिंपल बहुत, अगर डी की जगह डेल्टा कर दूंगा तो वो इंस्टेंटेनियस रेट आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल सा एक और है। एक रिएक्शन है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 टू 0.02 इन 25 मिनट्स। तो इनिशियल वैल्यू कितनी है? 0.03, फाइनल वैल्यू 0.02, और टाइम कितना लगा? 25 मिनट। किसकी है? रिएक्टेंट की है, आर की। क्या पूछा है? कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट्स क्या है? मिनट्स में भी बताना और सेकंड में बताना, तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा। एवरेज रेट क्या है? माइनस डेल्टा आर बाय टाइम। सो माइनस फाइनल माइनस इनिशियल मोल पर लीटर डिवाइड बाय 25 मिनट्स। सॉल्व कर लेंगे आ गया, फिर एक मिनट की वैल्यू 60 सेकंड पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो इसमें आ जाएगा आंसर। सिंपल से क्वेश्चन,
क्लियर होगी बात है।